हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कोविड से रिलेटेड के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप कोविड के टाइम प्लानिंग कर रहे हैं कहीं भी जाने के लिए, वो चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो एक बार आप गाइडलाइंस जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की है वो रहते हैं। अगर सपोज मैं आपको बता दूँ, अगर जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि अगर यहाँ पे कोविड का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अपना रूल चेंज कर देती है, और जहाँ पे कम केसेस होते हैं वहाँ पे थोड़ा रूल थोड़ा जो होता है वो फ्लैट होता है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोविड के टाइम ये सारे चेंजेस इसमें आ गए हैं, और इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं बता दूं, अगर आप अपने कार से या बाइक से ट्रैवल करना चाहते हैं अदर स्टेट, तो मैं आपको बता दूं आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। जैसे कि आपके पास RT-PCR का कोविड टेस्ट होना रिपोर्ट होना ज़रूरी है, जो कि 48 आवर आप ट्रैवलिंग करने से पहले होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास ई पास होना चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे ई पास चाहिए होता है, जो कि आप उसकी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा डाउनलोड करके। मैं आपको बता दूं, आप अगर आप भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको IRCTC से टिकट बुक करना होगा, जो कि कंफर्म टिकट ही वैलिड है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको 90 मिनट्स बिफोर डिपार्चर आपको प्लेटफॉर्म में पहुँचना है, और जब वहाँ आप पहुँच जाएंगे तो आपकी वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग वगैरह होगी, बैग को सैनिटाइज किया जाएगा, और सारी चीज़ें, मास्क वगैरह आपको पहनना कंपलसरी है। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे तो वहाँ भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको रेलवे की तरफ से ना कैटरिंग की जाएगी, ना ही आपको ब्लैंकेट वगैरह दी जाएगी, वो आपको खुद ही कैरी करना होगा घर से। ये बात रही रेलवे की। अब बात करते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट की। अगर आप कहीं भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने नए नए नियम निकाल रखे हैं। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है साफ साफ, उन्होंने कह दिया है कि दिल्ली से आने वाले यात्री, दिल्ली NCR और आगरा गोवा से आने वाले यात्री को RT-PCR टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो कि जो कि वैलिड होगा 72 आवर पहले। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो 72 घंटे पहले का आपके पास टेस्ट होना, रिपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो रिपोर्ट नहीं है तो आप मुंबई तो पहुंच जाओगे, लेकिन आपका टेस्ट वहां पे एयरपोर्ट में होगा, RT-PCR टेस्ट। लेकिन वो जो खर्च आपको लगेगा वो सिर्फ आपको ही देना पड़ेगा, वो सरकार आपको पे नहीं करेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कभी भी। और ये तो अभी तो नई गाइडलाइंस है, बाकी अगर अभी जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे या घटेंगे तो गाइडलाइंस बदलती घटती रहती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट में अगर इंटर करते हैं तो आपको टिकट ऑनलाइन बुक करना होता है। ऑनलाइन बुक करने के बाद आपको वेट चेकिंग करना होता है 4 से 5 घंटे पहले, और आपको एयरपोर्ट पहुँचना होता है 4 या 5 घंटा पहले। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपका वहां पे सिक्योरिटी चेक वगैरह होगा, आपका मास्क और आपको सैनिटाइज किया जाएगा, और लगेज को भी किया जाएगा सैनिटाइज, और आपके पास आरोग्य सेतु ऐप्स कंपलसरी होना चाहिए आपको प्लेन में ट्रैवल करने के लिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो, अगर नॉर्मल फ़ोन है तो कोई इशू नहीं है, उसके लिए भी गवर्नमेंट का नया नया। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। आपके पास RT-PCR टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके डिपार्चर होने से 48 घंटा पहले का होना चाहिए, तभी आपको एयरपोर्ट में एंट्री करने दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होना चाहिए, और ये सब सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है वाइल्ड आपको ट्रैवलिंग करते समय, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि निकलने से पहले आपके पास ये सब चीज़ें आपके पास हों। RT-PCR टेस्ट जो होगा वो होगा 48 घंटा पहले का। जैसे मान लीजिए अगर आपको ट्रैवल करना है कल, तो आपको 48 घंटे पहले आपके डेस्टिनेशन से पहुँचने से पहले तक का आपके पास होना चाहिए।
और अगर आप अपने सेल्फ व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, कार या बाइक से ट्रैवल करते हैं, तो आप अगर सेम स्टेट में अगर आप ट्रैवल करते हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास ई पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ई पास के लिए आपको जिस स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो वेबसाइट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और वहाँ से आप ई पास निकाल लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़, आपके पास कोविड की रिपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है जो कि नेगेटिव होना चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। अगर कोविड की रिपोर्ट आपकी आपके पास नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा और तभी ट्रैवल करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में। You're calling me up at the same time I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I